तो स्टार्ट करने से पहले सबको बोलना चाहूँगा कि जो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो वापस जा रहे होते हैं तो शिकाटा ही बोरूटो से बोलता है कि फील्ड ट्रिप के लीडर आज तो तूने कमाल ही कर दिया, तेरे वजह से इवाबे पिटता पिटता बचाया। तो बोरूटो इवाबे को बोलता है इवाबे अब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी इधर उधर मत घूमना, वरना अगर मैं और डेंकी नहीं पहुँचते तो तुम वहाँ पर लड़ाई कर देते और हमारी पूरी फील्ड ट्रिप खराब कर देते। तो कागुरा बोलता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आउटसाइडर्स पसंद नहीं है, तो मैं उन लोगों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो बोरूटो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एक ताकतवर सा आदमी आया था और उसने हम लोगों को लड़ने से रोक लिया था, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कागुरा कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि मैं तुम लोगों को मिजुकागे से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मर मिजुकागे यानी कि जो पुरानी मिजुकागे हैं वो उन लोगों से मिलने आ जाती हैं और बोलती हैं कि आगे वाला जो ज़माना है वो तुम लोग यंगस्टर्स का है, हम लोग तो अब बूढ़े हो चुके हैं। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो नए मिजुकागे यानी चोजुरु हैं वो उन लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं मुझे तुम लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम लोग हिडन लीफ विलेज से यहाँ पर हिडन मिस्ट घूमने के लिए इतनी दूर आए हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में मिलकर रहें और आगे वाली जो जनरेशन है वो अच्छी रहे, उन लोगों में दुश्मनी ना हो, क्योंकि पुराने समय में हम लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी थी हिडन लीफ में और हिडन मिस्ट में। उस समय हम लोगों ने इतना खून बहाया है कि हमारे विलेज को द ब्लड मिस्ट विलेज बोला जाता था। तो मैं नहीं चाहता कि अब वो सब कंटिन्यू हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप चाहता हूँ, तो इसलिए तुम सब लोग अब आराम से घूमो और एंजॉय करो। फिर वो सारे लोग जाने लगते हैं तो चोजुरो जो होता है वो कागुरा को रोक लेता है और बोलता है कि ये जो मैंने स्पीच दी वो तुम्हारे लिए दी थी, कि तुम लोग मैं तुम्हारे ऊपर एम करना चाहता था कि तुम आगे जाकर जब हमारे विलेज के लीडर बनो तुम हिडन लीफ विलेज के साथ अपना हमारा जो फ्यूचर का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखो, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी तुम्हें दे दूँ। अब यहाँ पर वो मैं मतलब वो अपनी तलवार की बात कर रहा है। तो कागुरा बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैं लीडर बन सकता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं लीडर बन भी सकता हूँ। फिर बाद में कागुरा उन सब लोगों को होटल पे लेके आता और बोलता है कि मैं चेक इन करके आता हूँ, तब तक तुम सब यहीं रुको। तो यहाँ पे सब लोग उसकी बात करने लग जाते हैं, कहते यार कागुरा कितना औसम है ना, वो कितना काइंड भी है और कितना पावरफुल है। तो मिस की बताता है उन सब लोगों को कि कागुरा जो है वो 2 साल पहले हिडन मिस्ट विलेज का चुनिन बना था और वो जो है टॉप असिस्टेंट है 6 मिजुकागे का, तो वो शायद जाके आगे जाके मिजुकागे ही बन सकता है, और वो जो है 7 ग्रेट निंजा स्पोर्ट्समैन में से एक है हिडन मिस्ट विलेज के। तो वो बोलता है कि आगे जाके शायद मुझे लगता है कि वो हेड बन जाए 7 निंजा स्पोर्ट्समैन का और उसको शायद मिजुकागे की स्वॉर्ड मिल जाए। तो शिकाटा उन लोगों को बताता है कि 7 निंजा स्पोर्ट्समैन वही होते हैं जो 7 स्वॉर्ड्स को ओन करते हैं। तो शारदा बोलती है तो लोग तो इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी नेशन को टेक डाउन कर सकते हैं अकेले ही। तो डेंकी बोलता है मतलब ये लोग काकाशी सेंसे से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे इनोजीत बोलता है कि हमारा विलेज भी कुछ कम नहीं है, बोरूटो के फादर ही देख लो तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कागुरा वापस आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को एकेडमी दिखाने ले चलता हूँ, और वो लोग एकेडमी में आते हैं। तो एकेडमी में हम लोग देखते हैं कि सारे जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं और वो लोग लकड़ी की स्पोर्ट्स से और पानी के ऊपर मैच कर रहे होते हैं, सॉलिड ग्राउंड पर नहीं। तो बोरूटो बोलता है कि हम लोग भी ताइजुत्सु जानते हैं लेकिन हम आपका जो केनजुत्सु है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चोजुरो बोलता है कि तुम कागुरा के साथ एक फ्रेंडली मैच कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा केनजुत्सु कैसा है। और बोलता है कि जब हम लोग फ्रेंड्स तो बन ही रहे हैं तो अगर तुम लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानोगे तो अच्छा रहेगा। तो इनोजीत बोलता है कि बोरूटो इस सब मामले में सबसे आगे रहता है, वो हमेशा फाइट फाइट करता ही रहता है। तो बोरूटो यहाँ पे मैच स्टार्ट कर देता है कागुरा के साथ में, तो बोरूटो कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही होती। तो इनोजीन बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो 7 निंजा स्पोर्ट्समैन का हेड बनने वाला है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है खुद ही ये। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरूटो जो होता है आखिर में जाके कागुरा पे अटैक कर ही देता है, लेकिन कागुरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको स्वॉर्ड वेल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो वो बोरूटो की जो तलवार होती है उसको हवा में उछाल देता है। तो बोरूटो को हारता हुआ देखकर इवाबे वहाँ से चला जाता है गुस्से में, तो क्लास रेप उसको रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कागुरा जो होता है वो थोड़ा सदमे में चला जाता है, उसका कोई ट्रॉमा पास्ट ट्रॉमा उसको याद आ जाता है। तो बोरूटो से पूछता है तुम ठीक तो ना, तो कागुरा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोरूटो बोलता है यार तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो। तो कागुरा बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर निंजुत्सु होता तो शायद तुम मुझे आराम से हरा देते। तो शिकाटा ही बोलता है कि नो डाउट तुम 7 स्पोर्ट्समैन बनने वाले हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो डेंकी बोलता है मुझे तो लगता है तुम अगले मिजुकागे भी तुम ही बनोगे। तो कागुरा बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं इतना भी डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम सब लोगों का प्यार है कि मैं इतना पावरफुल बन सकूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियाँ जो होती हैं उसके पीछे दीवानी हो जाती हैं, बोलती हैं यार कितना अमेजिंग है। तो अगले दिन वो लोग बीच पे आते हैं बोरूटो वगैरह सारे लोग घूमने, तो बोरूटो स्क्विड्स लेने के लिए दुकान पे आते हैं। तो दुकानदार जो होता है वो बोरूटो को 2 स्क्विड्स दे देता है और बोलता है कि एक अपने दोस्त के साथ दे देना क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो। तो यहाँ पे हम लोग बोरूटो अपने दोस्तों को ढूंढता है लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। तो वो शारदा के पास आ जाता है और शारदा को स्क्विड दे देता है। तो शारदा बोलते हैं तुम मुझे स्क्विड्स क्यों दे रहे हो? तो बोरूटो बोलता है अरे कुछ गलत मत समझ, मुझे दुकानदार ने एक्स्ट्रा दे दिया था। तो कागुरा यहाँ पे इन लोगों को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगों को हमारे सी फूड से इतने ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बोरूटो बोलता है क्योंकि हम लोगों ने कभी खाए नहीं, हमारे विलेज के आसपास तो जंगल और पहाड़ी हैं सिर्फ, इतना ऑसम सी फूड हमने कभी खाए नहीं। तो यहाँ पे
कागोरा बोलता है कि कुछ समय पहले हमारे विलेज में भी कुछ भी नहीं था देखने के लिए, लेकिन जब से सिक्स मिजुक आ गए यानी कि लॉर्ड चोजुरो आए तब से सब कुछ बदल चुका है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। हम नहीं चाहते कि हम लोग वापस पुराने वाले एरा में कभी भी जाएं, जब पहले के टाइम पे हम लोगों को ब्लडी मिस्ट विलेज बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम फोर्थ मिजुकागे के टाइम पे हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा खून बहाया है हम लोगों ने। उस टाइम अगर जो भी ग्रेजुएशन पास करनी होती थी हम लोगों को तो अपने साथियों को मारना पड़ता था। हमारे फोर्थ मिजुकागे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल थे, तो उनका एरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो इवा बोलता वो बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, तुम्हारे फोर्थ मिजुकागे से फाइट करते करते मेरे दादाजी मारे गए थे, तुम्हारे फोर्थ मिजुकागे ने मेरे दादाजी का मर्डर किया है, मेरे ग्रैंडफादर का, और मेरे फादर तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे विलेज को मेरे ग्रैंडफादर को मारने के लिए। तो कागोरा बोलता है कि मैं वो सब वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारे हिडन मिस्ट विलेज ने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो युवा बोलता है तुम सिर्फ फालतू में माफ़ी जता रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारी गलती भी नहीं पता, तुम सब लोग बकवास हो, किसी काम के नहीं हो। तब यहाँ पे कुछ लफंगे आ जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग तो हिडन लीफ विलेज से आए हुए चूजे हो, तुम्हारे तो मैं खत सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे कागोरा बोलते हैं तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा यहाँ पे कागोरा भी है, एक और चूजा जो इनके आसपास घूम रहा है, तुम तो इनके आसपास कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहे हो कागोरा, मुझे तो लगा था कि तुम निंजा स्पोर्ट्समैन में से एक हो, लेकिन तुम यहाँ पे उनके आसपास घूम रहे हो। इन लोगों को हमारे सामने झुक के रहना चाहिए क्योंकि ये लोग ब्लडी मिस्ट विलेज में आए हुए हैं, और इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे घूमने के लिए खुले में, किससे परमिशन ली इन लोगों ने। तो युवा बोलता है कि तुम लोग हमारी हिम्मत देखना चाहते हो, और युवा भी उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो युवा पे बोरूटो बीच में आता है और युवा भी को रोक लेता है और बोलता है युवा भी तुम सबका मूड खराब कर रहे हो, यहाँ पे हमारी फील्ड ट्रिप खराब कर दो तुम, और मैं ग्रुप का लीडर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ये सब मत कुछ मत करो और चुपचाप वापस चलो। तो वो लोग बोलते हैं ये कौन है, ये तो उज़ुमाकी क्लैन का चूजा है, तुम्हें तो मैं अलग से सबक सिखाऊंगा। तो बोरूटो बोलता है तुम उज़ुमाकी क्लैन को बीच में क्यों ला रहे हो, मेरे पेरेंट्स को इस सबसे दूर रखो, तुम्हें मेरे से मतलब है तुम मुझसे बात करो, मेरे पेरेंट्स से बात मत करो। तो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तो तुम इतने फेमस हो, अगर हम तुम्हें मारेंगे तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। और ये बोलकर वो अपने कुनाई नाइफ से उस पर अटैक करने लगता है, तभी वहाँ पे कागोरा उसकी कुनाई नाइफ को रोक लेता है अपने हाथ से, और कागोरा के हाथ पे खून आ जाता है। तो यहाँ पे ईवा भी जो होता है उसको पंच मारता है और बोलता है ये सब कुछ तुमने स्टार्ट किया ब्लडी मिस्ट वालों, तुम इसी लायक हो, और बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो बोरूटो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा भी बोलता है अगर मैं रुक गया तो ये लोग बाद में हम लोगों को परेशान करेंगे, इनको अभी सबक सिखाना होगा। लेकिन वो लोग यहाँ पे स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं हम लोग आगे अगले टाइम पे तुम्हें सबक सिखाएंगे, रुक जाओ। तो बोरूटो कागोरा से पूछता है कागोरा तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, और क्लास सिर्फ जो होती है कागोरा के हाथ पे पट्टी बांध देती है। तो कागोरा युवा भी इससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो लफंगे जो होते हैं वो शिजुमा से मिलने के लिए आ जाते हैं। शिजुमा वही बंदा है जिसने पिछली बार बोरूटो को छुड़वाया था लड़ाई से। तो शिजुमा बोलता है कि तुम लोग हिडन मिस्ट लीफ विलेज वालों से पिट के आ गए अपनी दुम दबा के मेरे पास। तो लफंगे बोलते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे कागोरा भी था तो हम लोग लड़ नहीं सके। तो शिजुमा बोलता है कि उन लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि ब्लडी मिस्ट विलेज हम लोगों को ऐसे ही नहीं बोलते। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेंकी जो होता है वो एक डिपार्टमेंट स्टोर से काफ़ी वीडियो गेम्स वगैरह खरीद के लाता है, क्योंकि उसके विलेज में ये सब अभी चीज़ें मिलती नहीं है। तो डेंकी जो होता है वो बोलते हैं मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खरीद ली, और रात को वापस जा रहा होता है तो कुछ बंदे उसको किडनैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं होटल में बोरूटो वगैरह सब लोग डेंकी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बोरूटो बोलता है कि डेंकी अभी तक आया क्यों नहीं, डिनर का टाइम हो चुका है। तो शिकाराई बोलता है हाँ उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम तो हो चुका है। तभी उनको एक गुब्बारा फटने की आवाज़ आती है। तो लोग देखते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो उनको खिड़की पे देखते हैं कि एक खून का गुब्बारा फटा हुआ होता है, और उस गुब्बारे के जो खून होता है उससे अक्षर लिखे जाने लग जाते हैं अपने आप। तो शिकाराई बोलते हैं तो वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस अक्षरों में लिखा होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त वापस जिंदा चाहिए तो तुम लोग पायर नंबर 4 के पास आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने डेंकी को बांध के रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से, और डेंकी को बोलते हैं कि अब तुम्हें बचाने के लिए वो हुकागे का बेटा आएगा और हम उसका मार मार के कचूबर बना देंगे। तो डेंकी बोलता है तुम बोरूटो को मारना चाहते हो। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।